तो गुड मॉर्निंग, राम राम सारे भाई होते भाई। तो आज की इस वीडियो के बनाने का मेरा मकसद ये है कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप जापान वीज़ा में लगाएं और आपका वीज़ा सक्सेसफुली आपको ग्रांट हो जाए। दूसरा, रिसेंटली मैं अपनी जापान की ट्रिप कंप्लीट करके आया हूँ 8 दिन का, तो आपको सारा उसका एक्सपीरियंस बताऊँगा, कैसे आप कट डाउन कर सकते हैं अपने एक्सपेंसिस पे, किन चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे आप अपना ट्रैवल ईजी बना सकते हैं, कौन से आपको ट्रैवलिंग कार्ड्स वहाँ पे लेने पड़ेंगे, कितने के मिलेंगे, अकोमोडेशन अगर कोई बंदा सोलो ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए हॉस्टल कहाँ पे अवेलेबल होगी, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे वो जाके ठहरे, जैसे अपना कनाट प्लेस होता है, सिटी सेंटर बोल सकते हैं अपने कनाट प्लेस को, बिल्कुल सेंटर है पूरी दिल्ली का, वहाँ से कम्यूट करना हर तरफ ईजी हो जाता है। तो वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट की तरफ जाता हूँ। तो जापान के वीज़ा के लिए आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है। आप गूगल पे जाएंगे, VFS जापान टाइप करेंगे, वहाँ से आप VFS के अंदर अपना लॉगिन करके अकाउंट बना के वहाँ से जापान की सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट लेंगे, जो कि एब्सोल्युटली फ्री होती है और विद इन स्पैन ऑफ 15 to 20 days आपको अपॉइंटमेंट अवेलेबल हो जाएगी। तो आज की डेट में अगर आप चलते हो तो आपको जून की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। सेकेंड, उसके बाद आपको फॉर्म भी उसी साइट के ऊपर VFS जापान के है, वहाँ से आपको डाउनलोड करके वो हैंड रिटर्न होता है फिल करना होता है। ओके, जापान की जो वीज़ा की फ़ीस है वो सिर्फ 500 rupees है, उसके अलावा VFS की जो फ़ीस है वो 650 rupees के आसपास है और 550 rupees आपको कुरियर चार्जेस है। वो कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आप वहीं जाके अपना ले आएँ पासपोर्ट तो ठीक है, वो 550 rupees बच जाएंगे। उसके अलावा आपको होटल बुकिंग डमी, फ्लाइट बुकिंग डमी, इंश्योरेंस कोई रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि अपना सेंगन के अंदर रिक्वायरमेंट होती है उसकी, तो ट्रैवल इंश्योरेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर। उसके अलावा आपको कवर लेटर के अंदर आपको डिटेल से बनाऊंगा इसकी वीडियो, कवर लेटर बनाना है। एक NOC हो गई, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC लेनी होगी अपनी कंपनी से, लेटर हेड पे कंपनी के। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो NOC की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि आप अपना खुद अपना काम कर रहे हो तो किससे इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपको ITR लगानी होगी, बैंक स्टेटमेंट, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सेविंग बैंक स्टेटमेंट चलेगी, और अदर सोर्स ऑफ फंडिंग जैसे आपकी FDs हो गई, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, ये चीज़ें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको करंट अकाउंट की स्टेटमेंट भी लगानी होगी, और अपना अगर आप डॉक्यूमेंटेशन अच्छा करना चाह रहे हैं, मैं उसमें से बता रहा हूँ जो परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन है, आप GST भरते हैं तो लास्ट 3 months की GST की भी लगा दो, ITR हो गई आपकी। ओके, GST सर्टिफिकेट लगेगा आपका, उद्यम MSME अगर वो है तो उसको भी लगा दो, और अपना सेविंग बैंक स्टेटमेंट हो गई। उसके अलावा जो डे टू डे आइटनरी है, दोनों केस में बिल्कुल सेम होगी, आपका अगर जॉब कर रहा है बंदा उसके लिए भी, और जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए भी। डे टू डे आइटनरी में ये होता है, मान लो आप 8 दिन के लिए कहीं पे जा रहे हो तो day 1 आप ये करोगे, वहाँ पहुँचोगे, होटल के अंदर चेक इन करोगे, कहीं घूमने जाओगे, day 2 यहाँ जाओगे, डिज्नीलैंड जाओगे, सपोज़ DisneySea या टोक्यो टावर, इस टाइप से आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना होता है अपना डे टू डे आइटनरी के अंदर। कवर लेटर के अंदर बेसिकली ये होता है कि आप एक समरी के अंदर बताना चाहोगे, मैं ये आदमी हूँ, मेरा पासपोर्ट नंबर ये है और मैं इतने दिनों के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ जापान के अंदर, ये इट्स अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट द वीज़ा ऑफिसर सो दैट ही कैन ग्रांट द वीज़ा। ओके, और उसमें अपना बता दो कि यहाँ थोड़ी बहुत जगह बता दी कि यहाँ यहाँ घूमने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक सैचुरेशन की मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ रेलेवेंट, तो ये चीज़ हो गई। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको कंप्लीट बता दी है, ITR, बैंक स्टेटमेंट, NOC, कवर लेटर, डे टू डे आइटनरी, डमी फ्लाइट टिकट, डमी होटल बुकिंग, ओके, अगर GST आपका GST, MSME उद्यम बोलते हैं आज के टाइम में उसको, ओके, तो ये चीज़ हो गई है। इसके अलावा मैं अपने कमेंट बॉक्स में लिंक का पूरा वो डाल दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंने लगाए थे जिससे मेरे को वीज़ा ग्रांट हो गया था। वीज़ा डिपेंड करता है काफ़ी चीज़ों के ऊपर, कितने टाइम के लिए ग्रांट हो रहा है,
जैसे G7 कंट्रीज का बोलते हैं, जो G7 कंट्रीज के अंदर गया है तो उसको 5 साल का वीजा ग्रांट हो जाता, ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। मेरा G7 कंट्रीज में पूरा सेंगन कवर कर रखा है, UK कवर कर रखा है, 5-5 UK के वीज़ा हैं, 4-4 सेंगन के वीज़ा हैं और वैलिड पड़े हैं अब तक सारे। तो मेरे को तो सिर्फ 3 महीने का वीज़ा दिया उन्होंने और 15 डेज और सिंगल एंट्री। तो डिपेंड करता है मे बी मेरिट अनमेरिट के ऊपर, चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है, और हो सकता है बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस कितना है आपका उसके ऊपर भी डिपेंड। बैंक बैलेंस मैं कहूँगा, और थोड़ी बहुत ट्रैवल कर रखी है आप तभी जापान का वीज़ा लाए, क्योंकि इतना आसान वीज़ा नहीं है। मेरे साथ कुछ बंदों ने करा था तो रिजेक्शन आ गई उनकी, तो सोच समझ गया। और बैंक बैलेंस मैं ये मानता हूँ 4.5-5 लाख रुपये आपका सफिशेंट होता है, सफिशेंट तो 3.5 भी होता है, लेकिन इतना रख के चलो आप, और 3-4-5 सेकेंडरी ट्रैवल कर रखें उसके बाद ही लगाएं। दूसरी बात आती है, अगर आप जापान की इमिग्रेशन पे जा रहे हैं तो ध्यान रखना कि भाई सारी चीज़ें जेन्युइन हो, क्लियर हो, वेरीफाई कर लेते हैं। मेरे को इमिग्रेशन ऑफिसर ने रोक लिया था जबकि पूरा पासपोर्ट भरा हुआ था तब भी, तो अपने डॉक्यूमेंटेशन वहाँ जाके खाली डमी ना करे, पेड कर दे, स्टार्टिंग या आखिरी दिन का तो कम से कम कर दो। टिकट तो आपकी ऑलरेडी पेड होगी जब आप वहाँ ट्रैवल कर रहे हो। और अगर आप जापान ट्रैवल कर रहे हो, मैं ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग बताऊंगा। अगर आप नरीटा एयरपोर्ट के ऊपर उतर रहे हो, फिर हनीडा एयरपोर्ट, दो ही बेसिकली मेन एयरपोर्ट हैं। हनीडा एयरपोर्ट जो है वो 10-12-15 किलोमीटर के आसपास है सिटी सेंटर से, आकासाका को मैं सिटी सेंटर मानता हूँ, टोक्यो टावर को बेसिकली। और जो आपका नरीटा का एयरपोर्ट है वो 70-80 किलोमीटर है, मतलब जैसे दूर पड़ जाता है अपना कनाट प्लेस से, मानेसर लगा लो, इतनी दूर है। तो SUICA नाम का एक कार्ड आता है, जैसे अपने यहाँ दिल्ली के अंदर तो मेट्रो कार्ड होता है, सिर्फ मेट्रो में चलता है, लेकिन वो सुइका कार्ड जो है वो जापान, ऑल ओवर जापान चलता है, वो आपको जा पे वहाँ से मिल जाएगा। उसे आप जितना भी रिचार्ज करा लो, वो 2000 येन का पड़ता है, इंडिया के कन्वर्जन में लगा लो 1200 रुपये का, जिसके अंदर 500 रुपये उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, 1500 रुपये आपको यूज़ करने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा आप कहीं भी रिचार्ज करा लो, वो बुलेट ट्रेन के अंदर शायद नहीं चलता है जितना मेरे को ध्यान है, बाकी नॉर्मली पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हर जगह चल जाएगा। दूसरा चीज़ जो आप भाई ध्यान रखते हो जो ट्रैवल करते हैं उनको पता है, फोरेक्स कार्ड रखने में बहुत समझदारी है, करेंसी एक्सचेंज कराओगे खरीदने में नुकसान है, बचेगी वापस देने में नुकसान है। कुछ एक रख लो, मतलब 10-15 हज़ार रुपये की अपनी करेंसी रख लो, जो कहीं RDRE में भाई काम आ जाए, जो अपना कहीं फंस जाए बंदा, ना कार्ड चल रहा है, कोई दिक्कत हो तो। ये चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेलेंट है, आपको हर जगह कवर करता है। टोक्यो की बेसिकली अगर मैं बात करूँगा आपको, तो कनेक्टिविटी बहुत ही स्ट्रोंग है, किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है। ओके, तो बाकी मैंने वीडियोज़ अपनी चैनल के ऊपर डाल रखी है सारी, जहाँ जहाँ मैंने एक्सप्लोर करी हैं चीज़ें, डिज्नीलैंड, डिज्नी सी, टोक्यो टावर, शिंजुका नेशनल गार्डन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी मैंने वीडियोज़ डाली हुई हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, ना अच्छी लगी तो वो करता है ही नहीं, धक्का किसी चीज़ का नहीं है। और कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो भाई मोस्ट वेलकम है आपका, कमेंट बॉक्स में मेरे को डालो, ठीक है। सब कुछ भाई फ्री है, कोई पेड सर्विस नहीं है, अपना जितना ज्ञान ले रहे हैं उन्हें बांटने में थोड़ा मज़ा आता है। तो बस अपनी यही कोशिश रहेगी कि जो भाई भी है, जो गलती हमने करी है वो ना करे। तो आपको डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट बताई है वो या तो वीडियो में सुन लेना, नहीं तो मैं अपना कमेंट बॉक्स के नीचे डाल दूंगा, इन डॉक्यूमेंट के उस पर आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। बाकी 100% तो गारंटी भाई किसी की भी नहीं होती वीज़ा की, नेपाल का भी वीज़ा हो तो वहाँ की भी नहीं होएगी, वैसे तो वीज़ा नहीं है। तो बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।